हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं आज तीन शेयर से रेटी बातें करेंगे और उन तीनों शेयर ये वो तीनों शेयर एक दूसरे इंटरलिंक है बात की जाए और मुझे लगता है कि वो आने वाले टाइम में Uh, अच्छा खासा गेन दे सकते हैं शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकते हैं तो शॉर्ट टर्म एज अ ट्रेडिंग परपज से आप उन शेयर की तरफ देख सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के परपज से आपको देखना है कि नहीं वो एक दो क्वार्टर की रिजल्ट आ जाए उसके बाद देखिएगा बस ट्रेडिंग के परपज की बात की जाए तो वहां पर आपको अच्छा खासा गेन मिल सकता है तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं बट बिफोर दै वीडियो में आगे बढ़े कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको कहना चाहता हूँ सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे और दूसरे लोगों को भी

तो सबसे पहले है बर्गर किंग अगर बात करें देखिए शॉर्ट में निपटाऊंगा कभी अलग से वीडियो बनाएंगे तो अब एक बार दोबारा बिजनेस एनालिसिस और दोबारा टेक्निकल देखेंगे बट अगर अब की बात करें तो यहाँ पर मार्केट कैप देखिए स्मॉल कैप कंपनी ही है और अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइएस्ट अगर बात करें पिछले uh, अगर एक साल की बात करें तो हाईएस्ट एवर यहाँ पर अच्छे खासी सेल्स आती हुई दिखाई दे दी है और ज्यादा टाइम इसे मार्केट में आए हुए दे। हुआ भी नहीं है नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिए नेट प्रॉफिट अभी नेगेटिव में है बट कोई इशू नहीं है धीरे धीरे कंपनी अपने आप को रफ्तार पकड़ रही है जब हाइएस्ट एवल रिवेन्यू आ गया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा खासा आ गया है तो आने वाले एक और दो क्वार्टर में अच्छा खासा आपको गेन मिलता हुआ दिखाई दे सकता है और शेयर और भागता हुआ दिखाई दे सकता है बट अभी ट्रेडिंग पर्पज से शेयर के बारे में बता रहा हूँ ट्रेडिंग पर्पज से ही हम देखते हैं बाकी ईयरली बेसिस पे भी देखिए सात

तो ऑलरेडी एक यहाँ पर ब्रेकआउट आ चुका है यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए एक ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है रिवर्स साइड एंड शोल्डर पैटर्न ऑलरेडी बन चुका है यहाँ पर ओके okay, जिसे हम पकड़ नहीं पाए हमें हमने पा यहाँ पर देखा नहीं तो यहाँ पर एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर ऑलरेडी बन चुका है और उसका ब्रेकआउट आ चुका है बट यहाँ पर अगर मुझे जो लग रहा है मुझे एक चीज और लग रही है कि पर और अगर यहाँ पर देखे तो अभी अभी भी अगर हम देखें अगर इस चार्ट पैटर्न के मुताबिक तो अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न मिलता हुआ दिखाई दे रहा है अगर देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्वेंटी परसेंट और यहाँ से अगर इसे उठाते हैं और लगाते हैं ऊपर की तरफ तो ये शेयर कहाँ जाता हुआ दिखाई दे, दे रहा है ये शेयर वन एटी रहा है बट अगर से रिवर्स हो जाता जाता है थोड़ा सा और, और फिर उसके बाद ऊपर है तो पर अगर मैं देखूं, तो फिर यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न और बनता हुआ दिखाई देता है और वो चार्ट पैटर्न कौन सा है तो वो चार्ट पैटर्न यहाँ पर कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा यहाँ पर अगर देखे तो यहाँ पर एक कप और फिर उसके बाद अगर नीचे जाता है थोड़ा सा और फिर ऊपर की तरफ आता है तो शायद कब विद हैंडल पैटर्न भी बना सकता है आगे चल के तो इस चीज को भी ध्यान देखना और फिर उस टाइम जो इसके रिटर्न्स का माजरा आएगा और इसके जो रिटर्न मिलेंगे तो शायद देगा तो अच्छा खासे गेन हमें मिलते हुए दिखाई देंगे दो सौ रुपए का टारगेट यहाँ पर तब बनता हुआ दिखाई दे रहा तो है बर्गर किंग से रिलेटेड आपसे रिलेटेड बातें करी है इसके बाद अगर बात करें इसकी एक और कंपनी है ओके उसके रिलेटेड ऑलरेडी जब ये शेयर गिरा था तब मैंने बात करी थी डेवलपमेंट तो अगर इसके रिलेटेड बातें करूं और मैं आपको बताऊं कि क्या है।, ये बर्गर है और ये है मैकडोनल्ड मैकडोनल्ड जिसके आप बर्गर खाते हैं सेम कंपनी नजर आती है सेम मार्केट कैपिटल है ओके और बर्गर किंग ने पिछले कुछ सालों में काफी जोर पकड़ा है मतलब अच्छा खासा गेन यहाँ पर मिला है बाकी सेल्स की बात करें सेल्स यहाँ पर देखिए दोबारा ऑल टाइम हाई पे आना शुरू हो गई है ओके okay, यहाँ पर पिछले कुछ क्वार्टर्स में अच्छा खासा सेल्स नहीं थी बट धीरे धीरे यहाँ पर बढ़नी शुरू हो गई है नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी नेट प्रॉफिट यहाँ जब मैं बात कर रहा हूँ कि दोबारा हम इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाएंगे और तो फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर और अच्छा खासा गेन है और जब ये शेयर देखिए आज के दिन तो यहाँ पर पांच भागता हुआ दिखाई दिया है फाइव प्लस यहाँ पर क्लोज हुआ बट जब ये शेयर यहाँ पर आ गया था ना यहाँ पर जब ये शेयर अच्छा खासा गिरा था यहाँ से एक साथ गिरा था फाइव समथिंग से और यहाँ पर आ गया था मैंने आपको कहा था कि खरीदिए और एक वीडियो होगी और

फिर पिछले दस साल में 986 करोड़ 1500 करोड़ रुपए तक की सेल्स में तब्दील हुई है तो ये सारे पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे तो अब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर अच्छा खासा ये कंपनी ने गेन मिला है बाकी ये जो दिखा रहा है लॉस ये लॉस नहीं है प्रॉफिट में है आपको जब डिटेल वीडियो बताऊंगा तो दोनों शेयर से रिलेटेड एक बार दोबारा बात करेंगे तब आपको एक बार समझ में आ जाएगा अब बात कर लेते हैं वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट की तो वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसके जो रिजल्ट है इसके भी अच्छे खासे यहाँ पर गेन आते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर ऑलरेडी एक मैंने चार्ट पेट देखा था

तो देखिए यहाँ एक मिनट सॉरी एक मिनट देख लीजिए तो यहां पर देखिए यहां पर भी एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है यहां पर एक इसने यहाँ पर गया ओके या कह सकते हैं कि इससे पहले वाले जोन में गया फिर उसके बाद दोबारा यहाँ पर बात करें यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर से इसने ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो कब हैंडल पैटर्न यहाँ पर भी बनता हुआ नजर आ रहा है और इस कब विद हैंडल पैटर्न के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो कितना रिटर्न आता है वो भी देख लेते हैं तो इसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो इधर भी अच्छा खासा रिटर्न आता हुआ हमें नजर आ रहा है अगर हम यहाँ पर से देख लेते हैं तो देखिए यहाँ पर भी अच्छा खासा रिटर्न आता हुआ दिखाई दे रहा है और इस रिटर्न तक हम चलेंगे और बाकी ये तीनों जो शेयर है ओपनिंग थीम पे प्रेजेंट है तो और जैसे जैसे मार्केट ओपन होती जाएगी और ये शेयर भी भागते हुए दिखाई देंगे तो इस चीज को आपको ध्यान देखा है ब्रेकआउट ऑलरेडी इस शेयर ने दिखा दिया है ओके लास्ट टाइम पर गया गया था इसके बाद गिर गया। उस लेवल तक तो देखिए गिरने के बाद भी दोबारा वापस आके खड़ा हो गया और विदिन क्या विदिन uh, एक से दो महीने के अंदर अंदर और यहाँ पर अगर देखे अब जो टारगेट नजर आता है सात सौ पच्चीस रुपए के टारगेट यहाँ पर साफ नजर आ रहे हैं तो इस टारगेट के लिए आप जा सकते हैं ओके okay, पर अगर बात करें एक तीन से छह महीने के अंदर छह महीने के अंदर अंदर भी चालीस परसेंट मिल गए तो आपको एक अच्छे खासे गेन रिटर्न मिलते हुए नजर आ रहे हैं तो आप इस चीज को देख सकते हैं वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट यहाँ पर एक दूसरा शेयर हम यहाँ हमारी पकड़ में आया है और इसके अलावा हम बात करें एक और शेयर की तो उसका नाम है जो अभी रिसेंटली रजिस्टिंग है मिसिज बेक्टर मिसिज बेक्टर की बात करें तो यहाँ पर रिजल्ट अच्छे खासे आते हुए दिखाई दिए हमें ओके okay, यहाँ पर इतना मजबूत नहीं था बट स्टिल अगर बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखें तो एक करोड़ की सेल यहाँ पर दो करोड़ में तब्दील हो गई थी हाइस्ट लेवल यहाँ पिछले तीन क्वार्टर में सेल्स होती है दिखाई दी है हाइस्ट लेवल यहाँ पर कह सकते हैं कि पिछले प्रॉफिट हुआ है पिछले तीन क्वार्टर का ईयरली बेसिस पर भी यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर कंपनी ने परफॉर्म किया है पिछले तीन चार साल से हाएस्ट लेवल यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी जनरेट हुआ है अच्छे खासे यहाँ पर एफ आई एस पर नजर आ रहे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं बाकी प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी है पब्लिक की बात करें पब्लिक के पास भी

ओके okay, तो यहां पर भी एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर अगर देखिये तो यहाँ पर एक शोल्डर बनाया फिर उसके बाद यहाँ पर एक हेड बनाया और यहाँ पर ये एक शोल्डर शोल्डर बनाया और उसे निकलता हुआ दिखाई दिया है और अगर हम इसके यहाँ पर बात कर लेते हैं सॉरी हु, एक मिनट और अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके चार इसके रिटर्न की कितना कि रिटर्न नजर आ रहा है तो यहाँ पर इसका जो रिटर्न है तो यहां पर अगर थोड़ा सा हम देख लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं इस टारगेट के लिए कितना टारगेट है पांच सौ के टारगेट के लिए आप जा सकते हैं जो कि हमें, हमें साफ दिखाई दे रहे हैं तो अब रेस होना शुरू हुआ है और हाइस्ट एवर रेवेन्यू हाइस्ट एवर जब यहाँ पर प्रॉफिट ईयरली बेसिस पे आने शुरू हो गए हैं और लॉकडाउन की थीम खत्म होनी शुरू हो गई है और अनलॉकिंग शुरू हो गई है तो ये शेयर दोबारा जाता हुआ दिखाई देगा तेईस अभी भी मौजूद है कि बीस परसेंट के रिटर्न के लिए आप यहाँ पर जा सकते हो बीच में क्या चार्ट पैटर्न बनता है वो भी देखते हैं देखिए क्योंकि यहाँ पर इसने एक बार यहाँ पर रजिस्टेंस बनाया तो शायद थोड़ा सा अगर रिवर्स होता है तो और अच्छे यहाँ पर रिजल्ट आते हुए दिखाई देंगे तो इन कंपनी की तरफ ध्यान दीजिए बाइंग सेलिंग से रिलेटेड कोई रिकमेंडेशन नहीं है सिंपली आपको बताया गया है कि इस तरीके के चार्ट पैटर्न पर बनते हुए नजर आ रहे हैं तो इन तीन कंपनी मिस इज बेटर किंग एज वेल एज वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट ओपनिंग थीम है एज वेल एज शेयर यहां पर चार्ट पैटर्न भी अच्छे खासे बनते हुए नजर आ रहे हैं तो ये तीनों शेयर आपको अच्छा खासा गेन दे सकते हैं बर्गर किंग वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट और तो तीन शेयर से रेट हमने बातें करी है अपने शेयर वजह खुद की स्टडी करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एप को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ दूसरे लोगों को भी कनेक्ट करें और दूसरी ये वीडियो जो हमने आज की डेट में डाली है और टाइम में जो आने वाली है उन वीडियो को देखते रहिए थैंक यू सो मच फॉर प्लस